हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, स्टडी हब आज आपके लिए लेके आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस यूनिट से, वो रहेगा आपका मैथमेटिकल टूल्स पे। लेकिन आज वाली वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आज वाली वीडियो में ये है कि नॉन मैथ स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं जैसे ही कहते हैं कि सर मैथमेटिकल टूल्स में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो बनता है जिनके बोर्ड स्कूल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आज हम ओनली बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। मैथमेटिकल टूल्स 4 नंबर का यूनिट आपका जो बनता है वहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। और नॉन मैथ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमें ये यूनिट बहुत टफ लगता है। देखो, आपको आज ये क्लियर हो जाएगा कि जब आप प्रैक्टिस हाई लेवल के क्वेश्चन की कर जाते हो तो आपको बेसिक क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने शुरू हो जाते हैं। आज वाली वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा क्या हैं, और साथ में आज आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े इंटेग्रल्स और डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, बहुत ही बेसिक से इंटेग्रल निकालने को आएंगे। साथ में आपको ये भी बता दूँ कि आपको पता है मैथमेटिकल टूल 4 मार्क्स का है, उसमें से जे एंड के बोर्ड में आपके 3 मार्क्स का एब इनिशियो मेथड से कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन फिक्स्ड है। बाकी जो सर आज वाले वीडियो में डिस्कस करने आए हैं दैट इज ओनली सिर्फ एक नंबर की कहानी चल रही होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करना कि क्या आपको ये क्वेश्चंस आते थे। वापस से बता दूं कि जब क्लास में पढ़ा जाता है तो इससे अच्छे अच्छे डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स को पढ़ा जाता है, लेकिन बोर्ड में बहुत ही आसान इंटेग्रल डेरिवेटिव्स पूछा जाता है और ये हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत ही आसान, इवेल्युएट करना है आपको इंटेग्रल x³ dx का। तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन में गलती करके आएगा। वापस से बोल दो, सब क्वेश्चन एक नंबर के हैं तो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं रहेगा। सर इस पर्टिकुलर इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए सर हमें बेसिक इंटेग्रल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज x^(n)dx इज नथिंग एल्स बट x^(n+1)/(n+1)। तो सर यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सर n इज इक्वल टू 3। सो इंटेग्रल x^(3)dx विल कम आउट टू बी x^(4)/4)। यहाँ पे आपको ग्रेविटी की तरफ नहीं जाना है। आपको इस क्वेश्चन से ये भी क्लियर हो जाता है एक छोटी सी बात कि सर जब तक हमें बेसिक डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आएगी, तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे भी, समझ आई बात। इसलिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और साथ में इसमें आपके पास देखो लिमिट्स भी स्पेसिफाई हैं। तो आपके सिलेबस में मेंशन भी क्या है, आइडिया ऑफ सिंपल इंटेग्रल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटेग्रल्स आपको नहीं करने हैं। आपका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, आपका फिजिक्स है, आपको सिर्फ उतनी पढ़ना है जितनी आपके लिए ज़रूरी है। तो चलो जरा इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो सर हमें इंटेग्रल निकालना है gmm/x²dx। वैसे भी आपको दिख रहा है ये ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द अदर बॉडी है, लेकिन हमें इंटेग्रल से लेना देना है। तो सर वी विल डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, विच मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ से gmm को इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, सर इन्फिनिटी टू r, ठीक है। यहाँ तक इंटीग्रेशन हो किसके लिए है, वेरिएबल है हमारा 1/x²dx। सर यहाँ से अब हम बिल्कुल ही आसान तरीके से gmm वैसे का वैसा रहेगा, क्या इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1/x² को x^(-2)dx। बस यहीं तक आपका क्वेश्चन, तो अब तो सर हम इसको कच्चा खा जाएंगे जी। तो यहाँ पे वापस से आपके पास जो बन जाएगा एक्सप्रेशन, यही वो सेम सिमिलरली यही वाला एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे, x^(n)dx इज इक्वल टू x^(n+1)/(n+1), ठीक है। तो चलो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ से सर हमारे पास हो जाएगा gmm x^(-2)/(-2)/1। आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n कितना है, -2 है, और ये हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ है, इन्फिनिटी टू r। अगेन ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू gmm। सर अब ये हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, x^(-1)। डिनोमिनेटर का -1 हम सर डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, लिमिट्स आपकी इन्फिनिटी टू r, विच मीन्स इसको अब हम लिख सकते हैं -gmm,
माइनस जी एम एम एक्स रेज टू और माइनस वन है सर, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है सर, वन बाई एक्स लिख देंगे और ये लिमिट आपकी इन्फिनिटी टू आर रहेगी। और उसके बाद सर हम बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, आइडिया ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में हमने पढ़ा था माइनस जी एम एम सर वैसे का वैसा रहेगा, एक बार लिख देंगे अपर लिमिट, एक बार लिख देंगे लोअर लिमिट। और सर हमें पता है यहाँ से वन अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो कितना होता है, ज़ीरो। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर निकल गया है दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर, सो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गिवन एस इज इक्वल टू दिस कैलकुलेट, यहाँ से देखो आपको देखना है डी एस बाई डी टी। सर वैसे भी हमें पता है डी एस अपॉन डी टी, अगर ये डिस्प्लेसमेंट तो सर ये बात कर रहा होगा वेलोसिटी की, एंड डी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच मीन्स ये बात कर रहा होगा एक्सेलरेशन की। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। एस इज इक्वल टू दिस, सो डी बाई डी टी ऑफ एस विच इज 4t³ + 3। तो यहाँ से सर हम लिख देंगे 4 डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3। अब आपको डिफ्रेंसिएशन के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, 4 इंटू, चलो इसको साइड में कर लेते हैं। अगर आपको याद नहीं, मैं इस हिसाब से मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन कुछ भी नहीं आ रही है, तो सर हमने डी बाई डी टी अगर करना है तो दैट विल बी इक्वल टू 3t⁻³⁰ विच विल बी इक्वल टू 3t². अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है तो सर अब ज़रा हम याद करें, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ था डी बाई, मैंने आपको कहा था कि बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। सिमिलरली अगर टी के टर्म्स में बात करें, डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू पावर एन, तो सर दैट विल बी एन टी रेज टू पावर एन माइनस वन। एक सेकेंड रुक जाओ, अगर हमारे पास यही टर्म को मैं सॉल्व करके, अब वेरिएबल अगर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू पावर एन हो तो वही सर हम कुछ नहीं, वही होगा एन टी रेज टू पावर एन माइनस वन। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एन कितना है सर, 3 है, तो 3 हो जाएगा टी रेज टू पावर एन माइनस वन विच मीन्स 3 - 1 दैट विल बी 2। तो यहाँ से 3t² हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3t² प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3 सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ एस जो निकल जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 12t². आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसी को हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो सर इसी का हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देंगे, डी बाई डी टी ऑफ 12t². सर यहाँ से 12 को डिफ्रेंसिएशन से बाहर ले जाएंगे, डी बाई डी टी ऑफ रहेगा t². अब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, डी बाई डी टी ऑफ t² बताओ कितना होगा। तो सर इसको अलग से करें तो डी बाई डी टी ऑफ t² जो हमारे पास होता है बहुत ही बेसिक सा 2t। अगर ये नहीं है तो सर n कितना है हमारे पास, 2, तो लिख दिया हमने n t रेज फॉर n माइनस वन, n माइनस वन विच मीन्स 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, सो 2t रेज फॉर n 1। अंडरस्टूड है कि सर इसको 2t ही लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 × 2t, सर मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो निकल जाएगा दैट विल बी 24t। सो d² s बाई डी टी स्क्वेयर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 24t। क्लियर है यहाँ तक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू cos² x देन dy बाई dx। से थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है इस, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही आपको 3 डिफरेंट वेज से सॉल्व करना सिखाया हुआ है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप 3 डिफरेंट वेज सेम क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए मैंने पहली वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। सर हमारे पास y गिवन है cos⁵x, हमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx विच विल बी इक्वल टू, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए cos का डेरिवेटिव सर माइनस साइन होता है, विच विल बी इक्वल टू माइनस साइन 5x। क्या सर इतना ही रहेगा, नहीं सर, इसका जो ये एंगल है दैट इज cos 5x विल अगेन गेट डिफ्रेंशिएटेड, तो dy बाई dx ऑफ 5x फिर से हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू माइनस साइन 5x। और d बाई dx ऑफ 5x अब साइड में अलग से करेंगे तो सर विच मीन्स ये हम लिख सकते हैं 5 × d/dx ऑफ x विच विल बी इक्वल टू 5 × 1। तो सर यहाँ से हम d बाई dx ऑफ 5x जो है वो 5 लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि d बाई dx ऑफ x क्यों 1 होता है, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं, d बाई dx ऑफ
एक्स विच मीन्स रेज टू पावर वन, हमने पढ़ा है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन विच मीन्स एन कितना है सर हमारे पास वन, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन विच मीन्स वन माइनस वन विच विल बी इक्वल टू वन एक्स रेज टू पावर जीरो, एक्स रेज टू पावर जीरो इज वन, वन इंटू वन विल मेक वन, इसलिए हम लिखते हैं फाइव इंटू वन, तो यहाँ से ये डी बाई एक्स फाइव एक्स कितना आ चुका है फाइव, तो सिमिलरली यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका आंसर जो है दैट विल बी माइनस फाइव साइन फाइव एक्स। बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एंगल को इस फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर माइनस साइन 25x लिख देते हैं जो कि गलत रहेगा, ये साइन के साथ एंगल है और ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है। आई होप यहाँ पे गलती मत करना, सो द आंसर इज माइनस फाइव साइन। सेम क्वेश्चन, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, आपको मैसेज बताता हूँ, ये जब थ्री सीरीज आई थी तो अगर एक्स सीरीज में पहले वाला क्वेश्चन था तो ये वाई सीरीज का क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, चलो इसको समझ लेते हैं। वाई इज इक्वल टू साइन फाइव एक्स है तो सर डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज बी इक्वल टू साइन का डेरीवेटिव सर कॉस फाइव एक्स, क्या सर इतना ही नहीं सर, इस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स फिर से हो जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे हमने अभी किया डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स नथिंग एल्स बट फाइव, और सर हाँ से हो जाएगा फाइव कॉस फाइव एक्स, याद रखना यहाँ पे एंगल को इस फाइव के साथ मल्टीप्लाई। एक्स इज इक्वल टू फाइव टी स्क्वायर इस बीच मीन्स यहाँ पे मैंशन नहीं है लेकिन आपको ये मान के चलना है कि एक्स जो है आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है और आपको विलॉसिटी निकालनी है, तो सर हमें पता है विलॉसिटी इज नथिंग एल्स बट डी एक्स अपॉन डी टी विच विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे 5t स्क्वायर, ये मैसिव हमने अभी सॉल्व किया तो चलो वापस से पूरा एलिब्रेट करके लिख देते हैं 5 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, हमने अभी सर सॉल्व किया है टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t निकल के आता है तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 10t। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन इस सीरीज का आज वाली वीडियो में यही है, यहाँ पे आपको इंटीग्रल निकालना है, देख सकते हो आप इंटेग्रल निकालना है आपको x dx का 0 से लेकर 1 तक लिमिट स्पेसिफाई है, तो सबसे पहले आपको x dx का इंटेग्रल निकालना आना चाहिए, तो सर यहाँ पे अंडरस्टूड x की पावर कितनी है 1 और इंटेग्रल में सर हमारे पास रिलेशन होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 विच मीन्स यहाँ से हम लिख देंगे x रेज टू पावर 2 अपॉन 2, ए प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट रहता है वो आपको यहाँ पे इग्नोर करना है, ठीक है। तो यहाँ से सर हमारे पास जो इंटीग्रेशन निकल के आएगी दैट विल बी एक्स रेज टू पावर 2 अपॉन 2, अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ हैं 0 से लेकर 1 तक, तो सर यहाँ से अब हमारे पास लिख देंगे हम ये 1 अपॉन 2 बाहर लिख देंगे एक्स स्क्वेयर लिमिट 0 से लेकर 1, यहाँ पे हमने पढ़ा सर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सर 1 अपॉन 2 यहाँ से 1 का स्क्वेयर लिख देंगे और सेकेंड टर्म का लिख देंगे 0 का स्क्वेयर, तो यहाँ से हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी 1 अपॉन 2 इंटू 1, सो द आंसर विल बी 1 अपॉन 2, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 1/2। आई होप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आज ये क्लियर हुआ होगा कि हम डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स बहुत अच्छे अच्छे पढ़ते हैं इसके कंपैरिजन में, लेकिन एक नंबर क्वेश्चन आपको पता है मैथमेटिकल टूल्स में से आना है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको इतने डेफिनेट इंटीग्रल्स इतने ही आसान आएंगे हर पेपर में, नहीं, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो जे एन के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तो आपको बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आने, आपको ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन देख के रियलाइज़ हुआ होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो चलो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।